इतने बदतमीज है, हमारे भाई को इतना सता रहे, भाई को सताते, मम्मी को सताते, हमारे अब्बू को सताते। कल इनफैक्ट कल मेरा भाई बोला कि उन्होंने इतना सता रहे मम्मी मेरे को, मैं सुसाइड कर लेता हूँ अगर मेरी भाई की जान गई तो। हम लोग किस पे बोलना, किस पे बोलना, बोलिए आप लोग। क्योंकि उन्हें जो डाल रहे मीडिया पे अभी जो चल रहा, वन साइडेड देख रहे, टू साइडेड भी देखिए, क्योंकि हम लोगों के पास हर चीज का प्रूफ है, उन्होंने इतना सताए, सब प्रूफ है वीडियोस के साथ हमारे पास है। ऐसा नहीं कि नहीं है, बल्कि ना एवरीथिंग हम लोगों के पास है। उनके मम्मी बोले आ जाओ बेटा, बोले मम्मी बेटी को छोड़, अर्शिन को छोड़ के आ जाओ मेरे पास, अपन जो करना है वो करेंगे बोल के वो निकल के चल गए। हमारे के इल्जाम डाल के फंसाएंगे बोल के बोले इनके मम्मी, सब जने बोले इनके इल्जाम डाल के फंसाएंगे, भाई भैया दोनों भैया इल्जाम डाल के फंसाएंगे बोल के बोले। मैं हूँ रब्बानी, मेरे बारे में फरीन जो है मेरी बहू के मेरे बारे में गलत वलत डाले हैं, मेरे बच्चे के बारे में गलत वलत डाले हैं उन्होंने। हम ऐसा उनके साथ कुछ नहीं करे, उन्होंने हमारे साथ मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ बहुत टॉर्चर करते, उन्होंने मेरे से पूरा काम कराते, उन्होंने मेरे को मारते तोड़ते हर चीज़ करते उन्होंने। तभी मैं कुछ भी नहीं उनको वो करती हूँ, उन्होंने बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी वो करे तो मैं आप लोगों को दो रूप बताती हूँ बोल के बोलते उन्होंने। हर एक चीज मेरे से कराते, देखिए आप मेरे को इतना मेरे से करा करा के मेरे को हार्ट अटैक आ गया उनके वजह से। उन्होंने मेरे बच्चे को सताते, मेरे को सताते, मेरी बच्ची को सताते, हर एक आदमी को सताते उन्होंने, हर वो करते। और मैं पूरा पका के करके रखी तो उन्होंने रूम में से निकल के खाली खाना खा लेते, रिका भी ऐसा फेंकते उन्होंने। और कल परसों से तो बहुत सता रहे उन्होंने, बच्ची की तबीयत खराब हो गई तो उनके वालदा करने गए, वालदा करने गए वैसे भी इलाज कुछ भी नहीं करे, नहीं करे तो भी मैं इलाज उनका करी करके बच्ची को अच्छा करी तो मेरे को बच्ची को दियो बोले तो नहीं, बच्ची को दिए तो तबीयत खराब हो जाती बोले। मैं खाना नहीं खिलाना करते, मैं उनको बिस्किट नहीं खिलाना, कुछ भी खिलाए तो तबीयत खराब हो जाती बोल रहे। और शादी जो करे उनकी, उनको 50,000 रुपये हम हमारे बहन कने से लेके दिए, लेके दिए वैसे भी उन्होंने बोले कि हम नहीं देते, हम ठेंगा देती हूँ मैं बोल के बोल रहे उन्होंने। ऐसा खर्चा है दे देना ना बेटा बोले तो भी नहीं, नहीं देते बोले। और चलो भाई जरा लेट से भी मैं शादी खाना बुक करा दी, वो कर दी, उसके बाद में बोले हमारे पास कुछ पैसा नहीं, हम नहीं कर सकते बोल के बोले तो ठीक है माँ बोल के कर्जा बहन कने से लेके दी। फिर मैं उनको 10,000 रुपये मैं पलंग बिस्तर के वास्ते मैं डाली उनको, 10,000 लियो माँ पलंग बिस्तर दे दो आप कुछ भी नको बोली। और उन्होंने बोले कि मेरे को मेरे पहले के शोहर जो है मेरे से कौन सा भी वो नहीं करे, मेरे को रीत रस्म से करना बोल के बोले। मैं वही रीत रस्म से उनके बहन बोले कि हमारे बहन को आप लोग पूरे हरी बेल से लाना, मिठाई से हर एक चीज से लाना बोले, हम कपड़ा लत्ता हर एक चीज अच्छे से अच्छे पैमाने से करे। और इनका जो कुलनामा का है वो उन्होंने कुछ भी हमारे को नहीं बताया उनके शोहर, फिर भी हम उनको हर एक चीज बता दिए। उन्होंने नाहक के हमारे ऊपर ऐसा कर रहे, उन्होंने नाहक के वो कर रहे। आप लोग देखिए आप लोग हमारी सच्चाई है क्या है उनका है, आप लोग देखिए। बच्ची बोलती के मेरे साथ कुछ भी करे तो मैं ऐसा घसीटे वसीटे करके सब जनों को फंसाती हूँ बोल के बच्ची बोलती हर। और जाफर जाफर बोल के बोल रहे मेरा भाई है वो खलेरा भाई है, उसको क्या बोले इनो के अरे मौली साहब कने बैठक हुई वो हुई तो बैठक में बोले के नहीं पैर पड़ते हाथ जोड़ते ले लेके जाओ, क्यों बोले तो हमारे घर में हमारी भावज आ गई, हमारी भावज हमारे को रहने नहीं दे रही, हमारी भावज टाचा ना कर रही हमारे साथ, हमारे को ले लेके जाओ बोल के पैर हाथाम पड़े। जब भी अलग हो जाओ मैंने आप अलग से आपको वो है तो नहीं नहीं मैं घर को चलती हूँ, मेरी भावज रहने नहीं दे रही मेरे को, मेरी भावज के हाथ के नीचे पूरा काम करना पड़ता बोल के बोले नो बोल के करके पैर हाथाम पड़ के आए। आगे उनको मैं बोली भी नहीं बेटे आप 4 रोज में फिर बदल जाते बोले तो भी नहीं नहीं बोल के आके
फिर 4 रोज 8 रोज नहीं हुआ। देखिए हम उनको हर एक चीज करते, उन्होंने नहा के बोल रहे, उनको बाहर के चीजा खाते, उन्होंने बच्चे को रात रात को भिजाते, उन्होंने बाहर की चीज खाते, उन्होंने हर टाइम उन्होंने बाहर का खाते, सुबह पूरी उरी खाते उन्होंने, और 12 बजे बाहर की बिरयानी वो खाते उन्होंने, मैं पका के रखती हूँ, पका के रखे बाद से उठते उन्होंने खाते, रिकाबी फेंक देते, रूम में चले जाते, दरवाजा लगा लेते उन्होंने, उससे ज्यादा कुछ हमारे पास काम नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। हर एक काम में आप सब हर एक आदमी से जहाँ मौली साहब कने जो बातचीत हुई उनको भी आपको बोले तो मैं उनसे भी बात कराने लगाऊंगी, क्योंकि उनकने भी सब हर प्रूफ है, हर एक चीज है उनकने। अभी उनका ये इल्जाम है आप लोगों पे कि बच्ची को जो है सो उनकी आप लोग रख ले के उनको घर से बाहर ढकेल दिए। नहीं नहीं, हम बच्ची को रख ले के ढकले नहीं, उनके खुद वालिद वालदा बोले के बच्ची को आप यहाँ पे बच्ची को छोड़ दो, गाली वाली देके, बुरी गाली देके बोले है बच्ची को यहाँ पे छोड़ दो, हमारी बच्ची को भिजा दो बोले। हमारा बच्चा पूरा उनो क्या करे नीचे चले गए, नको माँ हम लेके जाके छोड़ते ऑटो में आपको बोले तो नहीं बोल के नीचे चले गए, नीचे जाके बच्चा गाड़ी निकाले तक दूसरा ऑटो चुका लिए, बच्चा मेरा पूरा उनके ऑटो बल्ला गुड़े तक के पूरा जाए तो उधर से ऑटो में से उतर के दूसरे ऑटो में से, वो ऑटो वाले का भी वो कर सकते आप, पूछ सकते आप, हर एक वो कर सकते। इन्हों नाहक का हमारे ऊपर इल्जाम इल्जाम लगा रहे, उन्होंने बोले कि मेरे से अगर कुछ भी जरा भी हो गया मैं 2 रूप करूंगी, मेरे से कौन सा भी वो नहीं होना, मेरे से हुआ तो आप लोगों के धज्जियां उड़ा डालूंगी मैं, बोल के निकले। देखिए और हम उनको भिजाए नहीं, हम उनको करे नहीं, हमारे पास सब है, मेरे पास मैं आपको दियो बोले तो देती हूँ मैं आपको, और हम बच्ची को नहीं रख लिया, उनके बाबा बोले के बच्ची को छोड़ दो, हमारी बच्ची को भिजा दो बोले, तभी हम बोले के नहीं हम लेके जाके छोड़ते ऑटो में। बोलता देखे अम्मी चुड़िया पहन लेके है, देखो दरवाजा नहीं खोल रहे, नहीं भिजा रहे, बोलता कैसा भिजेंगे हम इनको अकेले, अच्छा नहीं रहता, खोल के दरवाजा खोल के चले गए, बच्चा लेके जाते हम गाड़ी पे बिठा लिया तो गाड़ी पे से उतर के उन्होंने चले गए। देखिए ना हक का बोल रहे उन्होंने, हमारा हक का कौन सा भी वो नहीं बोल रहे, अल्लाह उसका दींगा देखिए, हर चीज का दींगा, अगर हम करेंगे तो हमको दींगा, उन्होंने करेंगे तो उनको दींगा, हम नाहक का हमारे से नको, मेरे को बच्ची सता सता के मेरे से इतने टाचर टाचर, मेरा बच्चा सुसाइड कर ले तो बोल के मेरे को कल बोला के मेरे को कमरे में 1 मिनट भी वो करने नहीं दे रहा, और क्या बोलते हैं तो वहाँ मेरे शोहर के पहले के शोहर के फोना होना आ रहे, मैं मेरे शोहर करने जाना चाह रही हूँ बोल के। आप अच्छा खुशी से गए तो कुछ भी नहीं है ना बेटा, हमारे को ऐसा नाहक का जुलूम करके करा के नाहक के ऐसे चीजा करके जाना क्या फायदा है बोलिए। आप लोग मीडिया वाले भी 2 तरह का देखिए आप लोग, किसकी सच्चाई है क्या है वो देखिए आप लोग, हमारे को बहुत टॉर्चर करती है बच्ची, मेरे साथ बहुत जुल्म करती है, मैं ना हक का नहीं बोल रही हूँ, मैं हक का बोल रही हूँ, अल्लाह गवाह है देखिए, मैं हर एक चीज हक की बोल रही हूँ मैं। और क्या बोलते सो मैं शादी के टाइम भी सब हो गया बाद से हमारे पास पैसा नहीं है बोले, पैसा नहीं है बोले तो जान दो बोल के 50,000 रुपये लेके दिए बाद से बोले देते बोले नहीं दिए, पूरे उसके भी प्रूफ है नहीं दिए, मेरी बहन कने से मैं लेके दी उनको 50,000 रुपये मेरी बहन को, और मैं सोना डाली, मेरा सोना पूरा बेच के खा लिए उन्होंने, और बोले के नहीं हमारे मम्मी बोले के बाद में वो करते बोले, क्यों बोले तो हमारे भाई के बच्ची हुई छठी में उसमें हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे को वो करना है बोल के हम रहन रखा, हमारे बगैर इजाजत रहन रखा लिए उन्होंने, और क्या बोलते सोमा और बालियां वो थे वो बेच के वो कर लिए बोले इलाज करे बोल के बोले, हम पूरा इलाज करते, हम पूरा करते उनकी, हम पूरी फरमाइश करते, हम एक चीज की फरमाइश नहीं करते बोल के नहीं, उनकी हर एक हम पूरा हर चीज से उन्होंने, चांद रात से 2 रोज पहले आए तो हम उनको चांद रात को लेके जाके मैं कपड़े हर चीज दिला के ले, अगर ऐसा कुछ रहता तो हम कपड़े उपड़े दिलाते थे, हम कुछ वो करते थे उनको, हर एक चीज से उनको इतना अच्छा रखे उनके उनको जितना हमारा घर के वैसा हम राजा जिंदगी के वैसा रखे उन्होंने खुद अपने उससे उन्होंने वो कर ले रहे सो है। देखिए आप लोग मीडिया वाले मेहरबानी होंगी गुजारिश होंगी हमारे तरफ से कि एक तरह से मत देखिए आप लोग मजबूर बच्चे वालों की भी जिंदगी के उसके ऊपर आप लोग तवज्जो दीजिए, मेरे से गुजारिश है कि मेरी वो कर रही है आप लोग समझे, क्योंकि मेरे को ये बच्ची सता सता के मेरे को हार्ट अटैक आ गया समझे आप लोग, ये बच्ची के तरफ से मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी, मेरी बच्ची की आज जिंदगी नहीं है,
है, मेरी बच्ची पैदा नहीं कर सकती, मेरी बच्ची नाजुक है, मेरी बच्ची दीवारा पकड़ के चलना पड़ता, मासूम बच्ची को एक खतरा दूध नहीं पिलाई बच्ची है क्यों बोलते, उनके बाबा बोले कहते कि दीवारा पकड़ के चलना पड़ता, बोले कहते डॉक्टर के नहीं लेके तो बोले कि डॉक्टर बच्ची को दूध माँ का दे रहे क्या ऊपर का, नहीं ऊपर का दे रहे बोलते, उन्होंने बोले माँ का दूध क्यों नहीं दे रहे, बोले तो नहीं बच्चे की तबीयत खराब है, बोलते नहीं माँ का दूध देना था बोल के, बोलते नहीं उनके बाबा बोले कहते दीवारा पकड़ के चलना पड़ता बोल के, उन्होंने उनके माँ का दूध नहीं, हर एक चीज ये बच्ची की सबर कर रही हूँ मैं, वो बच्ची हर दिन मेरे को मारती तोड़ती, हर दिन मेरे से काम लेती थी कि हम जो भी बोल रहे हैं सच्चाई का बोल रहे हैं, हम कौन सा भी गलत नहीं बोल रहे हो मालूम है, हमारे ऊपर आप लोग हमारे ऊपर रहम करिए ना, क्या बोले आज तक के घर नहीं बताए उन्होंने हमारे को, हम जब उनकी तबीयत खराब है कह की बोले तो हम गए तो क्या बोले के इधर नहीं है उधर शरीक है, बोले बाजब गच्ची घर में है हमारे को झूठ बोले, वो दवाखाने में है बोले, कौन सा की चांद मीनार पे दवाखाना है बोले, कौन है घर में बोलते, बाकी के पूरे लोग हैं माँ बाप भाया सब जन है, किसके साथ गई बच्ची बोलते खाला के साथ गई बोले, अच्छा माँ देखने को आए ना, हम लोग देख के जाते बोले, तो आप देखने की जरूरत नहीं है बोल के बोले, जान दो माँ देख के जाती हूँ मैं बोल के बोली, तो क्या करे मालूम, खाला का दे माँ मैं नंबर आपके बहन का गए ना उन्होंने मेरे को दे बोलते नंबर दे, कहाँ पे है बेटा आप लोग बोलते फोन बंद, उसके बाद में पूरा चांद मीनार ढूंढी देखिए मैं उधर कौन से, तो वहाँ के लोग बोले आपको दीवाने बना दिए आंटी आपको ऐसा कर दिए उन लोग बोल के बोले, फिर उसके बाद में उनके बाबा को फोन करी तो उनके बाबा फोन नहीं उठा रहे, उन्होंने उठा रहे उनके मामू फोन करके काशिफ को गुस्से में आ रहे, मैं आप लोग मेरे हमारे पास एक महीने तक फोन नहीं करना, देखना नहीं सूरत देखेंगे तो तुम लोगों का क्या हशर कर डालूंगा बोल के बोले, उसके बाद भी मेरा दिल नहीं माना, मैं क्या करी हर आठ दिन को मैं कैफियत पूछने के वास्ते तो उनके बाबा गाली गलौज करके, सब प्रूफ है मेरे पास नहीं है बोल के नहीं गाली गलौज की, सब हर एक प्रूफ है हमारे साथ ऐसा गाली गलौज करे, उसके बाद में 6 महीने रख लिए, उसके बाद क्या करे मौली साहब कने बुलाए, बुला के गाली गलौज करे ऐसा करे हर एक चीज करे, आप मौली साहब से भी पूछ ले सको, और मेरे से गुजारिश है के ये लोग गोलकुंडा पीएस पे कंप्लेंट करे मेरे से, आप लोगों से पुलिस भाई मीडिया वाले भाई मेरे से गुजारिश है के ये लोग हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के जरिए से मैं बोल रही हूँ कि हमारे खिलाफ ये लोग कंप्लेंट लिखा है, और हमारे उनकी जो भी वो है आप कैसीदात करके वो करिए, देखिए हमारे ऊपर वो करिए मेहरबानी करिए आप लोग आके जिसकी वो है वो करिए, आप देखिए आप लोग हमारे से गुजारिश है, मीडिया वालों से गुजारिश है, सबसे गुजारिश है हमारी आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन है और मेरे भाभी का नाम है फरी। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए कि मतलब अभी जो न्यूज़ में चल रहा है कि ये वो बात आ कि मैं उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती वो करती, ये सब गलत है क्योंकि मेरे पास हर चीज़ की प्रूफ है, हर चीज़ की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब है, और देखा गया तो उन्होंने मेरे मम्मी लोगों को बहुत ज़्यादा सताते हैं, उन्होंने मम्मी लोगों को मेरे सताते, मेरे मम्मी रोज़ डेली सुबह उठ के काम करते, उन्होंने तो 2-3 बजे काम 2-3 बजे उठ के हर चीज़ नहीं करते, भाई लेके जाके खाना देते लो फरीन खाना खा लो, मैं वॉमिटिंग भी करे तो उन्होंने पानी नहीं डालते, हमारी मम्मी जाके डालते उनको कभी वॉमिटिंग्स हुए तो, ये तक उन्होंने साफ नहीं करते, मम्मी के ऊपर उन्होंने 1-2 बार हाथ भी उठाया, वो तक मेरे पास प्रूफ्स है, और उन्होंने मेरी लाइफ ख़राब कर दिया पूरी पूरी कम्प्लीटली, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे पास हर चीज़ की वीडियो है। आपकी लाइफ कैसा ख़राब करी? मेरी लाइफ उन्होंने मेरे हस्बैंड से रात के 4-4, 5-5 बजे तक बात करते थे, मेरे हस्बैंड से और मेरे हस्बैंड के दोस्तों से, मेरे को भी हस्बैंड बहुत सताए क्योंकि उन्होंने ऐसा हमारा मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप कैसा था, फ्रेंड्स जैसा था, ऐसा था, उन्होंने पूरा रिश्ता हमारा ख़राब कर दिए पूरा, उन्होंने पूरा मतलब गलत गलत इल्ज़ाम लगाना मेरे ऊपर, रात भर मेरे हस्बैंड से बात करना ऐसा ऐसा, आप सताओ दीदी को सताओ, आप समरीन को सताओ, ऐसा करो भाई ऐसा करो भाई बोल के रात भर बात करना ऐसा करते थे उन्हों। मैं कभी उनको कभी गलत नहीं बोली, मैं जॉब को जाती हूँ, जॉब से आती हूँ, घर पर रहती हूँ,
और इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, उन्होंने जो भी बोल रहे सब गलत है, उन्होंने बहुत उन्होंने इतने बदतमीज है, हमारे भाई को इतना सताते, भाई को सताते, मम्मी को सताते, हमारे अब्बू को सताते, कल इनफैक्ट कल मेरा भाई बोला कि उन्होंने इतना सता रहे मम्मी मेरे को, मैं सुसाइड कर लेता हूँ अगर मेरी भाई की जान गई तो। हम लोग किस पे बोलना बोलिए आप लोग, क्योंकि उन्हें जो डाल रहे मीडिया पे अभी जो चल रहा वन साइडेड देख रहे, टू साइडेड भी देखिए, क्योंकि हम लोगों के पास हर चीज का प्रूफ है, उन्हों इतना सताए सो प्रूफ है, वीडियोस के साथ हमारे पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है बल्कि ना एवरीथिंग हम लोगों के पास है। आप लोगों पे था उन्होंने जब कर रहे थे तो कोई पुलिस कंप्लेंट हुई आपकी तरफ से? जी आपकी तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट हुई? जी नहीं, हमारे तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई अभी, क्योंकि हमारे को आइडिया नहीं था मतलब पुलिस कंप्लेंट का, हमारे तरफ से कोई भी ऐसा पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है। बहुत काशिफ है, जो फरीन इल्ज़ाम लगाए थे ना वो गलत है, जो वो गलत है इल्ज़ाम, मैं वैसा कर तो नहीं क्या अभी ना, मैं खुद ही लेके गया गुंचे नो, खुद ही ऑटो में बैठ के गए, उन्हें इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोग मार के घर से निकाले बोलिए, गलत है ये, गलत इल्ज़ाम लगा रहे, ये बहुत बुरा गलत इल्ज़ाम लगा रहे नो। उनके मम्मी बोले आ जाओ बेटा, बोले मम्मी बेटी को छोड़ अर्शिन को छोड़ के आ जाओ मेरे पास, अपन जो करना है वो करेंगे बोल के वो निकल के चल गए ना, हमारे के इल्जाम डाल के फसाएंगे बोल के बोले, इनके मम्मी सब जने बोले इनके इल्जाम डाल के फसाएंगे, भाई भैया दोनों भैया इल्जाम डाल के फसाएंगे बोल के बोले, दोनों भैया इल्जाम डाल के फसाएंगे बोल के बोले, और मेरे को बहुत टॉर्चर करते हैं आपके साले जी, आओ हम मेरे साले बहुत वो फोनों पे गालियां देते वो करते मेरे को बहुत टॉर्चर करते, मैं खुद ही सुसाइड कर ले रहा था, मैं इतना इल्ज़ाम वो कर रहे अंदर कमरे में घुसे तो बाहर बाहर निकल के आ जाओ, बाहर बैठ जाओ तुम, नहीं आना कमरे में, शादी के बाद थोड़े दिन ना थोड़े दिन अच्छे रहे, फिर उसके बाद लड़ाया शुरू हो गए। क्या बोल के लड़े हमें? वो बहन के मुझे हमारे भौने को फोन आ करके ऐसा बोलते, बाहर गए बोल के लड़ाया हो रहे थे घर में, झूठे बात बोल के लड़ाया हो रहे थे, मेरे को जुल्म हो रहा, मैं सुसाइड कर ले रहा था मालूम कल, इतना जुल्म कर रहे मैं गाड़ी भी नहीं चला सक रहा हूँ, मैं रैपिडो चला रहा हूँ, मैं गाड़ी भी नहीं चला सक रहा हूँ, इतनी दूर है तो भी आके खाना दियो बोल के बोल, घर में पके हुआ है तो नहीं खा दूँ बोरे खाना,